जो बिहार में सबसे प्रमुख फसल है और आजकल तो धान की खेती के लिए श्री विधि जैसी नई नई तकनीकी का चलन आ गया है, जिससे कम लागत में उपज भी अच्छा होता है और जो पर्यावरण के लिए भी बहुत ही अनुकूल है। तो देर किस बात की है, चलिए दीदी से ही सीखते हैं कि श्री विधि से धान का नर्सरी बेड कैसे तैयार करते हैं। अगर आपका नर्सरी बेड अच्छा होगा तो पौधे भी स्वस्थ होते हैं और इसका सीधा असर उपज पे पड़ता है। नर्सरी बेड करेला दीदी कौन कौन सामान लगा है? नर्सरी बेड करेला तो सारा सामान हम ला के रख ले भैया। अच्छा, ला के यही सब सामान है? हाँ, ये भैया 5 किलो केचुआ खाद है। अच्छा, ये केचुआ खाद है? हाँ, 5 किलो। 5 किलो है हाँ। और 1 किलो अकुरिन बीज है, जो कि बीज शोध कैल है। अच्छा, ये शोध किया हुआ? हाँ, शोधन कैल बीज है। हाँ भैया, ये खेत में 3-4 बार जोतवा दिलिए खूब बढ़िया से, एकदम मट्टी पूरा अथी मुलायम करके बाके। अच्छा, मिट्टी एकदम जोतवा दिलो मेहन करके? हाँ, ओकर बाद 30 फीट लंबा। 30 फीट लंबा? हाँ, ओकर बाद 5 फीट चौड़ा। 5 फीट चौड़ा और 3 बेड क्यारी। 3 बेड 5-5 फीट के? हाँ। अच्छा दीदी, 3 बेड तो बनेल हो, एकरा में कितना बीज लगता है? एकरा में भैया 1 किलो अंकुर बीज एकरा में लगा है, 16 कट्ठा के लिए। 16 कट्ठा के लिए 1 किलो बीज? 1 किलो बीज लगा हाँ, है? हाँ, अंकुर बीज। अंकुर बीज हाँ। और 1.5 फीट के गड्ढा है, ताकि कि एकरा पर पानी चढ़ नहीं सके। अच्छा, ये 1.5 फीट के गड्ढा है? हाँ। अच्छा, गड्ढा 1.5 फीट के कहला बनेल हुआ? यही ला बनेलिए कि एकरा पर पानी नहीं चढ़ते। अच्छा, एकरा पर ना पानी चढ़ती? ना। और आदि एरा पर पानी भी रहती तो एरा में पानी ढल के गिर जीती। अच्छा, ज्यादा पानी होती तो एकरा में आ जीती? हाँ। और कम पानी अथी माली मोरी सूख रहले तो ये पानी आ ओकरा पर? जब भी मोरी हमरा सूख रहले है हाँ। तो एरे से उपज करके ओकरा पर देवल जा है। अच्छा, ये गड्ढा वही ला बनावल गेले कि पानी ज्यादा हो जीती तो एकरा में आ जीता है? हाँ। और कम पानी रहती तो एकरा से उपज करके? हाँ, ओकरा पर देवल जीते। देखिए भैया, बेड पर केचुआ खाद हम खाद भी डाला हो दीदी? हाँ, खाद भी डाली है। केचुआ खाद क्यारिया में डाला हो? हाँ। देखिए भैया, 1 किलो ये बीज है, इसको 3 भाग में बांटेंगे 3 बेड के लिए। अच्छा, तीनों क्यारी ला, तीनों बेड ला, अब 3 भाग में बना दो? हाँ, 3 भाग में बांट रहे हैं इसको, ताकि बराबर बराबर क्यारी में। अच्छा, कम बेसी ना हो? कम बेसी ना हो, बराबर बराबर सही मात्रा में लगे। हाँ। अच्छा भैया, यह बेड पर हम इसको गिरावे लगी जा रहा लिया भैया। अच्छा, एक बेड में डाल भू? हाँ, ताकि ये मतलब बराबर जगह पर एक जगह जमा नहीं होना चाहिए बीज। देखो भैया, अब तो बीज हम छीट दिलिए बेड पर। अरेरा बच्चा हाँ, तो कर दीदी, अब एक बचाव के लिए जो अंकुर है हाँ। बचाव के लिए हम एक निवारी से झाँप दी। देखो अभी पूरा में पानी देवल जीते। अगर बीज स्वस्थ होगा तो पौधे भी रोग मुक्त होंगे, इसलिए नर्सरी बेड की तैयारी अच्छी तरह से करना बहुत ही जरूरी है।